के श्लोक नंबर बासठ में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहाँ है कैसा है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो कहे कबीर और से भी दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो संत सुखी मन जीती हो सुरपति कहते हैं इंद्र को देवताओं का मालिक राजा स्वर्ग का रथ सुरपति दुखिया आत्माओ आप इन पुराणों को पढ़कर देखना देवी पुराण में लिखा है एक विष्णु पुराण में भी आता है एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया और उसमें राक्षसों ने देवताओं पर विजय पा ली और इंद्र छोड़ अपने के अपने स्वर्ग के राज ने क्योकित जंगल में जाकर शरण ली कोई हजारों वर्षों तक तो घूमता फिर लुकता छुपता फिरता रहा भूखा पैसा पड़ा रहा और फिर क्या होगा अगले जन्म में ये गधे की योनि में से प्रारंभ करेगा अपना जीवन तो क्या फायदा इस क्या क्या लाभ हुआ उस भक्ति और साधना का परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया पूरी पृथ्वी का राजा भी महा दुखी है आत्माओं जो साधना नहीं करते वो पूर्व जन्म के तप या अन्य शुभ संस्कारों से राज्य प्राप्त कर लेते हैं जब तक उनकी पिछली बैटरी चार्ज रहती है तब तक तो उनके वारे न्यारे रहते हैं जूठे में और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है इनकी वह दुर्गति होती है देख जोगी अभी आपने पीछे एक देखा होगा एपिसोड समाचार पत्रों में भी आया एक लीबिया देश का जो तानाशाह राजा था मेमार गद्दाफी उसने बताया है कि लगभग बयालीस वर्ष राज कर और सारे ठाठ करे अंत में उसकी मृत्यु हुई जब उसको ऐसी बुरी तरह पीट रहे थे मार रहे थे वो हाहाकार रहा था और यहाँ तक लिखा था एक बार समाचार पत्रों में कि दो दिन उसने जूठन खा कर छुप गया था और जूठे टुकड़े खा कर टाइम पास किया अंत तो में मौत को प्राप्त हुआ और आगे क्या होगा आगे का हमने पता परमात्मा के भी दान उसके साथ क्या होगा तो क्या बताते हैं कि संशय शोक सो, सराय में ये सूतक दिन राती और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती आगे काल के दू और दे तोड़ेंगे वो हमने पता नहीं आपने वो भगवान के विधान में पद लिखा है इस सब को बताकर परमात्मा के बताना चाहे कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो निर्दो तो अपने आप स्वाभाविक दुखी कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो अब वो संत मन जीती कौन होगा वो इस ज्ञान से परिचित व्यक्ति अपने आप में संयम कर सकेगा कौन से ज्ञान को इस तत्व ज्ञान को कौन से ज्ञान को मन तो चल रे सुख के सागर शब्द सिंधु रतनागर अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहाँ चलो सतलोक में जहा सुख ही सुख है दुख नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं कभी एक बार जन्म होगा आपका वहां पर फिर कभी मरण नहीं होगा अब जैसे आप जी यहाँ बहुत बड़े सेठ भी हो और बहुत बड़े राजा कोई टुकड़े पृथ्वी के टुकड़े के राजा भी बन गए हो या आपके पास बहुत गणा धन है कार हैं कोठी हैं बढ़िया पुत्र पुत्री पौत्री हैं और आप नो सोचो हो कि हम ठीक हैं यहाँ पर लेकिन आपकी तब मृत्यु कंपल्सरी है फिर ये के ठीक हो यार के आपका हुआ आपका कहाँ हुआ आप इस परिवार को अपना मान रहे कल हो कल मृत्यु हो न माने नाइजीरिया में जन्म हुआ आपका बुढ़े खाओ निरे कच्चे मांस फिर तो करने का भाव ये है हमारी पूरी पृथ्वी पर हम एक ही संस्कार के हैं हमारी जीव जाति है और जब हम मनुष्य जन्म में होते हैं हमारा मानव धर्म है और हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे से मिले हुए हैं चाहे पृथ्वी के नीचे पाताल से या अमेरिका से लेकर और भारत कितना भी कहीं पर भी क्यों ना हो सभी प्राणियों के आपस में एक दूसरे के संस्कार हैं तो कोई यहाँ जन्म लेगा तो कहीं वहां लेगा तो अपना कहाँ हुआ यह परिवार मृत्यु कंपलसरी होगी और मान लीजिए आपका पुनर्जन्म हो गया फिर वो प्रोसीजर शुरू यहाँ पर फिर वो ए ब्रन तो आप जी ने ये मन हटाना पड़ेगा यहाँ के प्रोसीजर यहाँ की व्यवस्था से उल्टा तब हटेंगे जब हम सच्चाई से परिचित हो जाएंगे हमारे दल में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा सचमुच ये गलत स्थान है और जहाँ हम रह रहे हैं, ये ठीक ठिकाना नहीं है अब क्या बताते हैं जो संत परमात्मा से परिचित हुए वो क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना परमेश्वर की साधना के बिना कहीं भी आपका ठोर ठिकाना नहीं जैसे आप मनुष्य जीवन में जन्मे हैं और आपने अच्छे पुण्य कर लिए और पाप भी आपके साथ पैरल होते हैं तो पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए और स्वर्ग में आपका सीमित समय होगा आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे वहाँ से कहेंगे चलो वहाँ से चलो फिर कहाँ नरक में नरक का समय पूरा होता कहते यहाँ से चलो फिर कहाँ गदा बनो गधे का समय पूरा होते चलो मरो फिर सूअर बनो सूअर का समय पूरा होते चलो कुत्ता बनो और ऐसे चौरासी लाख चलो चलो होकर के फिर मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर फिर मृत्यु होगी कहते चलो फिर कहाँ फिर वही कहते बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना ना कहीं ठोर ठिकाना नहीं आपका आपने गलत मान रखा है ये घर मेरा ये परिवार मेरा ये ये संपत्ति और संतान मेरी ये झूठ आपके मन में बहम पैदा कर दिया आपको मिस किया हुआ इस काल भगवान ने परमात्मा बताते तो यहाँ से तो आपने जाना होगा तो आप यहाँ से इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान फिर यहाँ ना आवे और जहां भगवान ने आकर बताया कि एक स्थान है सतलोक वहां पर पूरी सृष्टि ऐसी ही जैसे आप यहाँ रह रहे हो वहाँ एक ऐसा शरीर मिलेगा आपको जो कभी व्यद नहीं होता जिसमें कोई रोग नहीं होता जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती वहाँ ऐसा ही परिवार बनेगा तो पुणात्माओं आप यहां तो रंगे हुए इस रंग में लेकिन ये विश्वास होना कि वहाँ पर ऐसा है जैसा ये दास बता रहा है दास नहीं बता रहा ये भगवान ने आकर बताया है और जिन महापुरुषों ने वो स्थान देखा परमात्मा ने जो उनको वापस दिखा वापस छोड़ा उन्होंने भी यही बताया है तो ये विश्वास होना कि वहाँ पर भी ऐसी ही सृष्टि है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा अब उसी के लिए इन इन काल के दूतों ने ये दूसरे जो पंथ है, हैं सतलोक की महिमा गाते हैं ये क्या बताते हैं कि सतलोक में कुछ नहीं प्रकाश ही प्रकाश है चेतन ही चेतन है नूर ही नूर है और भगवान निराकार है ये क्या किसी ने पूछा कि भगवान परमात्मा निराकार है या साकार है ये राधा दस स्वामी वाला उत्तर देता वो गुरु जी ने कहा कहते वो निराकार होते हुए साकार है साकार होते हुए निराकार है ये कोई उत्तर है उर्लू का कोई पूछनिया उसने ये कोई उत्तर है या तो साकार है तो साकार है निराकार है तो निराकार है अब कोई गाय ने कहे है कि गाय साकार होते हुए निराकार है निराकार होते हुए साकार है ये कोई उसका उदाहरण उत्तर है उस तत्व ज्ञान प्राणी का तो ऐसे ही इन्होंने भ्रमित कर रखा है एक पुस्तक में लिखा हुआ इनकी में राजा स्वामी वालों की में mm. कि परमात्मा पहले निराकार था फिर इजहार में आया आकार हो गया तीन चेतन मंडल बन गया अगम अलख और सतनाम सतनाम कहें ये सतलोक ने कहता तीन ओ भगवान तीन चेतन मंडल बन गया यानी वो पत्थर बन गया और ये दूसरे जो यहाँ के जो ये वैदिक धर्म वाले बताते हैं कि ये जो जितनी भी भगवान किया जो दिखाई देते हैं ग्रह और ये पृथ्वी चांद सितारे ये परमात्मा का साकार रूप है परमात्मा निराकार ये इनका सिद्धांत देख लो और राधा स्वामी वाले कहते हैं पर सतपुरुष सतलोक में निराकार है वहाँ कुछ नहीं है प्रकाश ही प्रकाश है और आत्मा मृत्यु जब यहाँ शरीर छोड़कर जाएगी भक्ति की हुई साधना की हुई पर आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाएगी जैसे बूंद समुद्र में अब कोई नो कहेगा चलो समुद्र में डूब कर मरेंगे वो बनेगी किसी की इच्छा को महामूर्ख होगा बेसिकते चाल मरेंगे डूब के अब भगवान वह है नहीं और उसमें ऐसे मिली न जाना जैसे बूंद समुद्र में जाकर उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की वहां परमात्मा साकार है मनुष्य दृश्य है जबकि कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में कर्ण नो दी में प्यारा है लास्ट में लिखा उसमें के करोड़ चांद करोड़ सूर्य और इतने ही पुनचंद खलोई पुरुष रोम सम एक ना होई एक रोम रोमकूप में परमात्मा सतपुरुष के एक रोम रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी ज़्यादा रोशनी है और जो आत्मा सतलोक चली जाती है पर सतपुरुष के ऊपर चवर करती है भूप के ऊपर उस मालिक के ऊपर तो भगवान निराकार है तो उड़े चौवर क्या पकड़े उन्हें अरिशवाणी को वो अपनी पुस्तकों में मुख्य रूप में कर ले अनुवाद करते हैं लोगों को सुनाते हैं उनको अनुवाद भी ना करना आया क्योंकि अपना जो अनुभव के बिना जैसे वेदों का अर्थ कर रखे न अज्ञानियों ने ऐसा इन राधा स्वामी वाणों ने कबीर परमेश्वर की अमरवाणी का अनुवाद गलत कर रखे है और जबकि वो स्पष्ट है तो ऐसे वो वहाँ पर सृष्टि है और आपका ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां ऐसा आपका यहां से मन कति अट जाएगा मृत्यु तो होनी है यहां तो रह ही नहीं सकते आप फाइनल कर लो ना करो तो भी फाइनल है तो यहाँ तो आप रह नहीं सकते तो जब यहां से जाना ही है और फिर आगे तो फिर यह विरणवटी दुर्गति तो क्यों ना हम ये पक्का दृढ़ निश्चय कर ले भगवान परमात्मा ने बताया क्या सभी संत बताओ कि वहां पर ऐसा स्थान है तो वहां कैसे जाया जाता ये विधि है ये तरीका है बस भाई बातें खत्म होगी एक व्यक्ति को ये दास समझा रहा था बहुत पहले ही बात है वो बड़ा ध्यान से सुनता रहा दो घंटे हो गए इस ज्ञान को सुनते रहे फिर कहता है कि महाराज जी तेरी बात मेरा समझ में सारी आ गई पर मैं करूं कौन इसने मां क्यों नहीं करे भाई क्या बात है कि कि आज से पहले किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया ना किसी ने बताया कि ऊपर ऐसा स्थान है आपकी बात पर विश्वास अब मेरा हो को नहीं और दूसरी बात यह है कि मैं हूँ दुन का पक्का मैं जिस काम का लगता हूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ मन मुझे डर है कि कहीं मैं आप वाली साधना शुरू कर दूं और मैं सतलोक में इकला चला जाऊं जाऊंगा कोई ना पावा मैंने जी ना लागे मेरा मैं तो मर जाऊंगा कति मैं कहने लगा भाई एक बात बता अब तेरा यहाँ कैसे दिल लगेगा मान ले तू सूअर बन गया गधा बन गया कुत्ता बन गया फिर यहाँ आके नो बोला जी यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे जी लग गया रहेगा यानी गधे कुत्ते बनना स्वीकार्य है बिना ज्ञान के के विश्वास नहीं होता कि वहाँ होगा ऐसी वस्तु नो बलिया दिल ला गया एक दूसरे ने देख देख के ठीक टाइम पास हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को समझावा कैसे क्योंकि ये ज्ञान प्रथम बार सुनने पर एकदम ऐसे दिमाग घूम जाए इंसान का तो ये विश्वास होना ही दर्द हो मुश्किल हो जाती है कि सचमुच वहाँ ऐसा है आप यहां आने से पहले आपने क्या पता था फिर छुपाड़ा सारा सांग पाओगा आप आगे सारा कुछ है यहाँ पर यहां से वहां जाओगे तो भगवान ने बताया आंखों देखा संतों ने देखकर वापस आकर बताया और सब सदग्रंथों में गाया कि वहाँ एक ऐसा स्थान है और आप वहीं रहा करते थे आपकी जन्म वर्तुनी तो होती थी और यहाँ आप यहाँ की साधनाएं करके क्या क्या प्राप्ति की कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे कु बोरे कौआ हंस बुगारे कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा भिक्षकों के दर दर घोम लिया ये मिला न निर्गुण रासा इंद्र कुबेर ईस की पदवी ब्रह्मा वृण्रमराया विश्वनाथ के पुर को जाके तू तो फिर भी वापस आया होई होई। क्या बताते हैं भगवान के करोड़ जन्म हो गए तेने या धक्के खाते ने भटकते नहीं अरे तेरे कुछ नहीं हाथ लगा जैसे आज कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है फैक्ट्री ला रखी है और बैंक में नरे बैलेंस है एक मिनट में मृत्यु हो जा और फिर क्या गया उसके साथ वो फैक्ट्री यही रहेगी वो वह पूंजी यहीं रहेगी और वहां गया यू अकेला उसके बाद कहा चौरासी लाख योनियों में के खाएगा जिसको साधना ठीक नहीं मिली तो सत भक्ति नहीं करके गई परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा भी की ना ओ हो अब तो आप एक कोठी मांग लोगे भगवान ते एक कार ले लोगे वो टूट गया क्या लाइशते अब राजा की पदवी भी आप रह चुके हो इंदर कुबेर ईश की पदवी ब्रमा और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया अब क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया आप ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग दिया सम सं, संपत्ति त्याग दी संतान त्याग दी परमात्मा पाने के लिए जंगल में चले गए गांव से एक बार मांग कर ले गए कोई भिक्षा और उसको रख लिया सुबह भी उसी को खा लिया शाम को भी सुख सा की रोटी खाकर दिन रात भजन जैसा भी डले ढोते रहे तपस्याएं तो साधना करते रहे और उससे क्या बना कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्म वृण ध्रमराया ये ये प्राप्ति होगी तुझे इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा और स्वर्ग का राजा भी अपना समय भोग कर फिर गधे की ओडी में जाता है ये मिला ना निर्गुण रासा यानी ये तत्व ज्ञान तुझे ना मिलने से इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी तूने पाली इंद्र तू बना ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त कर रखी है अब ये जो वर्तमान में ब्रह्मा जी विष्णु जी शिवजी हैं ये नासवान हैं इनकी जन्म मृत्यु होती है इनकी आयु फिक्स है और ब्रह्मा जी के मरते ही दूसरा ब्रह्मा ये काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से पुत्र रख रखे उसको बेहोश रखता है और युवा व्यवस्था अवस्था में उसको तुरंत ही फिर गद्दी पर बैठा देता है उस ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है वो आत्मा अपने कर्म पूरे करके फिर चौरासी लाख योनियों में भटकती रहती है ऐसे फिर विष्णु जी की मृत्यु होगी तो दूसरा विष्णु त्यार रखता है फिर ऐसे शिव की मृत्यु होगी दूसरा शिव त्यार रखता है तो ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो योनिया दूसरी योनियों में चले जाएंगे नई अच्छी आत्मा इन पदों को प्राप्त कर लेंगी उनमें से आप भी रहे हो अब जैसे ये ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ है ना ये ऐसे ही ऐसी ही आत्मा का जोड़ा हुआ जुगाड़ है वो क्या कहता है पहले तो कहता है अहम ब्रह्मा अहम सु वो भूत बोल रहा था लेखराज में उस लेखराज श्राप में एक भूत आ गया प्रेत वो आत्मा कभी ब्रह्मा की पद पर रही थी और उसके प्रेत पितृ योनि में भी उसको यही बात याद रहती है उसको ये भ्रम रहता है कि तू ब्रमा है जैसे आपने एक हम करते स्कूल में एक वीर विक्रमादित्य की एक कुर्सी आया करती सिंहासन था उसका वो वीर विक्रमादित्य तो मरमरा गया था उसका एक सिंहासन था कुर्सी चेयर थी कहते उस पर पा एक पाली बैठ गया पाली जो ग्वाला था और वो बैठ गया वो लगा कड़ाके की आवाज़ से बोल रहे हैं जैसे राजे महाराजे बोलते हैं वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे और फिर जो आसपास के लोगों का झगड़ा होता उस बालक को बैठा देते और वो फिर न्याय करता था क्योंकि वो भटक रहा था वो विक्रमादित्य वो आत्मा उड़े धक्के खा होती कुर्सी चिपकी बैठी थी वो उस बच्चे में बढ़कर बोलने लाग गया तो ऐसे ही ये आत्माएं भटकती रहती हैं फिर भी उनको अपने आप में आभास रहता है अहम ब्रह्मास्मि अष्मी में ब्रमा हूँ फिर लग गया लो अहम शिव अहम शिव अहम एक भूत हो रहा है जो कभी शिव की पदवी पर आया होगा उसमें तो ऐसे ये भूतों का चलाया हुआ पंथ है ये ब्रह्मा कुमारी वालों का और ये क्या कहते हैं जो गीता ज्ञान दाता है ये शिव है और यो इनका भगवान है और यो तो काल है ये तो दुश्मन इस जीव का सबसे सब मारता है खपाता है इनको जन्म मृत्यु ये फंसाए बैठा है अरिषि की पूजा बताओ ये बता इस काल ने कितने जाल फैला दिए और इस कलयुग में बेगन तार दिया अब क्या बताते हैं कि एक समय अपन आत्माओं आपको एक झलक दिखाते हैं आसानी तो समझ में आ जाएगी फिर यह सारी कहानी जो दास बताना चाहता है एक जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको रस्यभ देव जी एक राजा थे नेक आत्मा थे और वो वेदों अनुसार साधना करते थे वेदों अनुसार ये तो आजकल जो कति मनमुखी पूजाएं करते हैं इनसे तो बहुत ब्रनमट्टी होगी जो वेदों अनुसार साधना करते थे यानी आपको दास ने कहाँ से शुरू किया था कि शास्त्र विधि को जो त्याग कर वेदों में और गीता जी में जो वर्णित साधना है उसको छोड़कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो शास्त्र विदिता का मनमानाचरण है और इन इन ग्रंथों के अनुसार करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है लेकिन कंप्लीट पू, पूरी साधना ना होने से वेदों में केवल एक वो मंत्र लिख रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर चालीस के मंत्र नंबर पंद्रह में लिखा है कि ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर ओम नाम का जाप काम करते करते सिमन करो विशेष कसक के साथ सिमन करो और मनुष्य मुन, जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सिमन करो तो इससे क्या होगा ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर चालीस के श्लोक नंबर दस में लिखा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताता है उत्पन्न होता है जैसे राम और कृष्ण रूप में कोई कहता है कि वो जन्म नहीं लेता वो निराकार है तो इस निराकार साकार की और भगवान कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं उनसे सुनो तो ये श्लोक क्या उन्हें पढ़ा नहीं ऋषियों ने कि वेदों में जो ओम नाम का लिखा है ब्रह्म की साधना है लेकिन ये भी तो लिखा है कि पूरी जानकारी तो कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे और यही गीता जी बताती है क्योंकि जी चारों वेदों का सारांश है उन्हीं का स्कोट वर्ण चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये संक्षिप्त में है और गीता जी में स्पष्ट किया कि एक मंत्र नथिंग एल्स लेकिन साथ में यह भी लिखा है कि सत ओम तत् सत में दे के तेईस वो भी तो एक मंत्र है वो पूर्ण परमात्मा के पाने का तो इन ऋषियों ने आपे निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा हर ओम उसका फाइनल मंत्र है तो ऐसे ही साधना करते रहे यानी ब्रह्म तक की साधना करते थे इससे जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती ब्रह्म लोक प्राप्ति फिर वहां अपने पुनः होने पर फिर चौरासी लाख यू नहीं हो गई गीता ज्ञानदाता खुद कहता चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता हूँ तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म पूजा करने वाले भी जन्म मृत्यु में सथाई नहीं है इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और ब्रह्म की भी जन्म मृत्यु होती है यह सरपुरुष है तो इस प्रकार अब गीता जी दया नंबर सत्रह के श्लोक नंबर तेईस में कहा कि सचिदानंद गण के पाणे का ब्रह्मण मुखे वो सच ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है उस सचिदानंद घन ब्रह्म परमाक्षर ब्रह्म का मंत्र और है और वो कोड वर्डों में उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे वो इनको मिले नहीं तो जिस कारण से अब गीता जी दहरा नंबर चार के श्लोक नंबर बत्तीस में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है क्योंकि वो परमात्मा अपने मुख अमर धाम से चलकर गति करके आता है अच्छी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है उसको ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान है तत्व तो ज्ञान वो कबीर ज्ञान कबीर वाणी है और ज्ञान सब ज्ञान कबीर ज्ञान सो ज्ञान और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान तो वो ज्ञान इन ऋषियों को मिला नहीं तो रस्यभ देव जी को परमेश्वर आकर मिले अपने नियमानुसार अपने लीला अनुसार अपने गुण के आधार से ग्रीपदास साहेब ने लिखा है कि रस्यप देव के आइया वो कवि नामे करतार जिसको तुम कवि कहते हो कबीर देव हम उसको कबीर साहब बोलते हैं वो रस्यप देव का आया था लेकिन रस्यप देव ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया प्रेरणा जरूर होगी भगवान पाने की उस प्रेरणा से घर भी छोड़ दिया अपने बच्चों को राज दे दिया और स्वयं अपने उस गिस्से पटे ज्ञान से ही किस दीक्षा लेकर किसी ब्राह्मण गुरु से शीशे और घर त्याग कर साधना करता रहा तपस्या घोर तप किया निराहार रहा एक हजार वर्ष तक तपस्या की घोर तप किया उसके बाद फिर पहली जो दीक्षा उसने देनी शुरू की अपने आप पहली दीक्षा किसको दी अपने पोते मारीची को भरत के पुत्र को और वो मारिची वाली आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुए जो दस में इनके चौबीस में तीर्थकर है जैन धर्म के अब जो रस्यभ देव जी से ज्ञान प्राप्त किया था मारीची वाली आत्मा ने वो था वेदों अनुसार वेद वेदों तक का ज्ञान था फिर ओम नाम का जाप और ये हठय योग करते थे वेदों में हठयोग नहीं है ये हठय योग इन्होंने स्वयं जोड़ रखा है इसके साथ तो उससे क्या मिला उस मारिची वाले जीव की के रुकती हुई और फिर वही आत्मा फिर महावीर जैन और महावीर जैन ने आगे चल के सारी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी तीन सौ तिरसठ पाखंड मत शुरू कर दिए वर्तमान के जैनी महावीर जैन वाले उन पाखंड मतों के आधार से साधनाएं कर रहे हैं फिर इनकी के होगी द्रुगति इनके साथ क्या होगा ये अंडरस्टूड है तो इससे पहले आपको दिखाते हैं जैन धर्म का थोड़ा सा इतिहास ताकि आपके हृदय में परमात्मा की अमरबाणी घर कर कि जो बताई है परमात्मा ने यह साची है यह देखिएगा जैन संस्कृति कोष यह है जैन संस्कृति कोष जैन इतिहास प्रथम भाग संस्कृति कलाएं पुरातों और कहाँ से यह है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर द्वारा वर्णित है ये महावीर जैन जी का चित्र है ये कति नगंध रेखा इसको प्राक जैन संस्कृति कोष ये प्रथम खंड लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और अरे इनकी कीमत देखो क्या है हा लेखक हैं भागचंद्र जैन भास्कर प्रकाश सके नी, नीचे वाले ये ऐसे ऐसे देखो ये और इसका मूल्य देखो ओ, तीनों खंडों का भारत में तीन हजार रुपये है उत्तरागत वो ये और दो से डॉलर पर लेगा दो से डॉलर तीनों खंडों विदेश में तो ये तीन तीन हजार रुपये है इन तीन पुस्तक ये इसी इसी देखिए पतली पतली ये देखिएगा ये ये इस टाइप की है इसमें सारे 608 प्रश्न हैं 608 ये देखो और ये एक एक हजार की है ये और बताइए इनमें ज्ञान देखना क्या है अब ये देखिएगा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है ये बालचंद्र जैन जी ने ये अपने पूज्य माता जी के नमक इसको कर रखे है अब देखना 173 एक सौ तिहत्तर पृष्ठ से हम शुरू करते हैं देव के पौत्र मारिची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है यह वैदिक धर्म मारिची तल्या तो है और यही मारिची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान महावीर जैन बनिया आप देखना एक सौ छिहत्तर पृष्ठ पे है जैन धर्म का विकास इतिहास तीर्थकर तीरंथकर रस्यव की जीवन घटनाएं तीरंथकर रस्यव अंतिम कुलकर नाभी राज के पुत्र थे उनकी माता मरुदेवी थी वे इक्शवाकुवंशी नाभी राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे तरुण होने पर ना भी राज ने देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित निन्यानवे पुत्रों को और एक ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया समय आने पर रस्यभदेव ने भरत को अयोध्या का बाहुबली को तकसीला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए किसी से नाम ले लिया गुरु बनाकर और साधना काल में पानी पात्री देव एक वर्ष तक निराहार रहे कुछ नहीं खाया बाद में बाहुबली यानी उसके पुत्र बाहुबली के पौत्र श्रीयांश कुमार ने एक सूरस देकर उनकी इस निहार निराहार व्ति को तोड़ा लगातार एक हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषिदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया एक हजार वर्ष फिर तपस्या की एक साल एक साल निराहार रहकर उसके बाद एक हजार वर्ष तक तपस्या करके और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ कर दी यानी दीक्षा देनी शुरू कर दी चेले बनाने शुरू कर दिए प्रथम धर्मदेशना भरत के पुत्र मारिची को दी जो इनका पोता था जो बाद में चौबीस में तीरंथ कर महावीर बने जो मारी जो इनका यानी प्रथम नाम अपनी साधना के तुरंत बाद पहला मंत्र पहला चिल्ला बनाया था ऋषभदेव ने अपना पोता मारीची अब इस मारीची की आगे ऋषभदेव से दीक्षा लेकर कहने का भाव है के रस्यभ देव जी उस समय वेदों अनुसार साधना करते थे उन्होंने किसी से दीक्षा ली अपना गुरु बनाया उसके बाद फिर स्वयं ही दीक्षा देनी शुरू कर दी अपने पोते मारिची को दी और मारीची फिर वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया यही आत्मा मारीची वाली आगे चलकर महावीर जैन होया और वेदों अनुसार साधना करने वाले इस मारीची की के दुर्गति हुई क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये सातवें अध्याय के अठारवें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के ऊपर समर्पित हैं उन्होंने मान लिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो परमात्मा पाना ही इसका मूल उद्देश्य है और अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म की पूजा ही उन करनी चाहिए एक भगवान की पूजा करने से मोक्ष होगा उन्होंने ये तो सब कुछ निष्कर्ष ले लिया लेकिन ये उद्धार आत्मा वो अच्छी आत्मा मेरे वाली अनुतमाम घटिया साधना में लीन रहे क्योंकि ब्रह्म तक की साधना क्यों घटिया बताई अनुतम क्यों कही क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होता जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक जाते हैं और ब्रह्म लोक जाने के बाद भी फिर पुनर्जन्म होता है तो जन्म मर तो समाप्त नहीं होती इसलिए गीता अध्याय नंबर अठारह के श्लोक नंबर बैसठ में कहा कि अर्जुन तू तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर एक से चार में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत फिर बतावेगा वो ज्ञान उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में प्राणी नहीं आते उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता और जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मण्डो की रचना की उसे की भक्ति करो वो तत्वदर्शी संत बताओगा वो ना मिलने से क्या दुरुक्ति हुई अब देखना इस मारित के जीव की ये वैदिक धर्म के प्रवर्त की जैन धर्म के तिरंत कर की बिरान आपको दिखाते हैं आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है नहीं की जैनियों की इसका लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एमए ए शास्त्री आओ जैन धर्म को जाने लेखक प्रवीण चंद्र जैन एमए ए शास्त्री जम्बूदीप अस्तनापुर प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बूदीप अस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में और इसके यहाँ से इसका मुद्रक है धीरेन्द्र जैन न्यू न्यू प्रिंटर्स ये नीचे मेरठ फोन नंबर इतने ये कट सारा। अब इस पे हम आते हैं दो सौ चौरानवे पृष्ठ पे ये दो तीन पृष्ठ पढ़ के सुनाएंगे आपने आपका संकति शंका निवारण हो जाएगा यहाँ देखिएगा इस विशेष प्रकरण अवदैन जैन धर्म को जाने विशेष प्रकरण दो सौ तिरनवे पृष्ठ पे प्रश्न नंबर तेतीस सौ तिरतालीस में प्रश्न किया कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं अन्य पांच नाम हैं वीर अतिवीर संमति और महावीर एवं वर्धमान अब दो सौ में पढ़ेंगे अब दो सौ चौरानवे पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है अब मारीची के जीव से पहले ये कहाँ था पुर्वा नामक भील था पुर्वा ना, नामक भील की पर्याय माने जीवन से पूर्वा भील कौन था ये पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में एक भीलों का राजा था उसने सागर सेन मुनिराज से मध्य मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था जिसे जीवन पर्यंत पालन किया श्री महावीर भगवान का जीव भील की प्रिया से कहाँ गया पहले धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ फिर पहले सौ स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस प्रिया यानी जीवन में गया भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारिची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ ये भरत का बेटा ऋषभदेव का पोता मारिची हुआ अब यहाँ आके ये रड़ा पहले ये भील था फिर स्वर्ग में गया और फिर ये मारिची नामक पुत्र हुआ भरत का और ऋषभदेव का पोता हुआ मारिची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ ब्रह्म लोक में चला गया अब ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ ब्रह्म चला गया और ब्रह्म ब्रह्मस्वरुग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ अभी से सिद्ध हो गया यु ब्रह्म लोक में गया क्योंकि राजा रसभदेव भी ओम नाम का जाप करता था मारीची को भी उसने ओम नाम का इसको अणोम कहे ये अणोम और वर्तमान वाले जो जैनी अणोम ओण कहे जे ओम कहो एक तो ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म स्वर्ग में गया ब्रह्म लोक में गया उसके बाद फिर अपने ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं फिर कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ फिर जटिल से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ सौधर्म स्वर्ग से कहा गया इस भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्नि भूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से गौतम क्षत्री से अग्निशय से नामक पुत्र हुआ अग्निशय से, से फिर कहाँ गया स्वर्ग में गया फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशकी पत्नी से अग्नि मित्र नामक पुत्र हुआ अग्निमित्र कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया ये महेंद्र है ये महासुरग या इंद्र का लोक अच्छा महेंद्र स्वर्ग से कहा गया महावीर भगवान का जीव फिर मंदिर नामक साल काय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ भारद्वाज से कहा गया महेंद्र महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ महेंद्र स्वर्ग से कहा गया निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया निगोद से निकलकर कर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया ये बिरान माटी में गया देखियो अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है ओहो हो हो ये है एक हजार आख वृक्ष के भाव अस्सी हजार सीप के भाव बीस हजार नीम के पेड़ के भाव वृक्ष के भाव नब्बे हजार बार केल यानी केले के वृक्ष के शरीर तीन हजार बार चंदन के वृक्ष के जीवन और पांच करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव हो, हो। साठ हजार बार वैश्य के भाव साठ हजार बार वैश्या के शरीर पांच करोड़ बार शिकारी ओह हो पाँच करोड़ बार शिकारी बना नरे पाप कट्ठे करवा दिए काल ने और बीस करोड़ बार हाथी बना फिर ओह हो और साठ करोड़ बार गधा वो तेरा गजो ये भगवान अब ले देव पद ने बना खड़ा साठ करोड़ बार गधे के भाव तीस करोड़ बार कुत्ते के ये भगवान है कुत्ता तो तेरा बने हुआ गधा तो कति छक्के छूट जा सपने में भी नहीं सोचा आदमी देवता बनन की आगे जब थोड़ा सा भी हौसमा होगा तो अब बताओ साठ करोड़ बार गधे गधे का शरीर और तीस करोड़ बार कुत्ते के साठ करोड़ बार नपुसंक बीस करोड़ बार स्त्री और नब्बे लाख बार धोबी के भाव और आठ करोड़ बार घोड़े के भाव बीस करोड़ बार बिल्ली या कसरत रह रही थी और साठ लाख बार गर्भपात से मरने और केवल अस्सी लाख बार देवता होया अस्सी लाख बार तो देव प्रयाय को प्राप्त हुआ देवता बना स्वर्ग में गया फिर आ गया फिर अब एक इसके चट्ट इस देवता ने जब साठ करोड़ बार गदा गदा एक कब बना बतेरा, सपने में भी याद ना हो एक देवता वर्णन की जब मानस जरा सा भी ज्ञान हो क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था उसके बाद क्या होता है उपरोक्त भवों को जीवन को शरीरों को भोग कर महावीर भगवान ने किस पर्याय में को प्राप्त किया राजग्रह नगर में सथावर नामक नाम का ब्राह्मण बनिया और फिर वहां से कहा गया महा महेंद्र स्वर्ग में फिर सात सागर की आयु वाला देव या महेंद्र स्वर्ग में महावीर भगवान का से महावीर भगवान का जीव कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया वहाँ से कहा गया माँ शुक्र देव में गया महाशुक्र शुक्र में देव हुआ फिर वहां से कहा गया तिरपृष्ठ नामक नारायण हुआ फिर वहां से कहा गया सातवें नरक में गया यह कसर रह रही थी नरक में जान की सातवें नरक में गया ओहो सातवें नरक से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया अब सिंह पर्वत पर, पर सिंह हुआ पुनः फिर प्रथम नरक में गया फिर शेर होया फिर नरक में गया प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया हिमवान पर्वत पर फिर शेर हुआ सिंह से कहाँ गया सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ फिर कनक पर्व नगर में रप, कनक पुंख विद्याधर और रानी कनक माला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ फिर सातवें स्वर्ग में गया फिर सातवें स्वरूप से अयोध्या नगरी में फिर जन्म हुआ फिर माँ देव में गया फिर की खंड में पूर्व भी देही की पुष्कली देश की पुंडी किरणी नगरी में उसी में फिर आ गया जिसमें भीलों का राजा था और मैं राजा सुमित्र सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ और फिर चक्रवर्ती राजा का पद से फिर सैंसराज स्वर्ग में देव हुआ फिर वहाँ सैंसराज स्वर्ग से कहाँ गया जम्मूद्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ नंद का जीव आगे कहाँ गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और उसके बाद चौबीस मा तीर्थ कर महावीर भगवान होया ये साठ करोड़ बार गदा बन करियो सौरा कुछ बनकर वो मारिची वाला जीव फिर महावीर भगवान हो गया इनका और फिर महावीर भगवान ने फिर के के रंग लाए श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए उत्तर तीन सौ तिरसठ पाखंड मत चलाए जी वाह जय हो आत्मा परमात्मा कहते हैं सास कू तर जग मारे पर जूठ कई ना जाई हो साच ने जग मारने कोई ना झूठा जगपति आई हो अब वेदों अनुसार केवल वेदों अनुसार चारों वेदों में जो वर्णित विधि है यह भी शास्त्र अनुकूल है इसके इस साधना के करने से भी लेकिन ये इनकम्प्लीट है पुणात्मा आप कोई किसी का नंबर डायल करते हो और उसमें एक भी नंबर रह गया ना वो कितना भी ना मिल रहा है या पता नहीं कितने लगा जाके अगला सौ गाली सुनावे तो इस प्रकार हम जब तक हमने कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त होगी हम यहीं भटकते रहते हैं और ये मान रहे थे हम बड़ी अच्छी साधना कर रहे हैं इन साधनाओं से राजा बन गए राजा से स्वर्ग चले गए स्वर्ग से फिर नरक में नरक से फिर ऐसे चक्कर काटते रहे गधे कुत्ते सूअ बने आए हाय अब ये तो दुर्गति हुई इस महावीर जैन उस रश्यव देव से वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीची के जीव की जो कम से कम वेदों अनुसार साधना तो करे था तो भी कुछ दिन स्वर्ग स्वर्ग में चला गया कुछ दिन इस झूठे सुख को भोग लिया इसने अब महावीर जैन जो बना उसने तीन सौ तिरसठ पाखंड मत चला दिए वो शास्त्र विधि कंप्लीट बनमाना आचरण है तो उनके साथ क्या बनेगी और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं ये महावीर जैन द्वारा चलाए गए इन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहे हैं अब इसको समझदार को संकेत बहुत है इनके साथ के बनेगी अंडरस्टूड है ये तो स्वर्ग के आसपास भी ना जाए कम से कम स्वर्ग मत देवता तो घूमे कुछ दिन अब क्या बताते हैं कोट जन्म मतन तो भर मत हो कुछ ना हाथ लग्यारे कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ बुगारे कुकर कुत्ता सुअर खरवा ने गधा ये योनिया तूने भोगी और कुछ नहीं हाथ रे राजा मृत्यु हो गया गधा बन गया बता क्या हाथ लग गया उसके राजमत है बकवाद बकवाद इकट्ठी कर करी सारा जीवन खो दिया बर्बाद कर दिया कोटी जन्म तू राजा की ना मिट्टी न मन की आशा दुर दुर घूम लिया ये मिला न निर्गुण साधना ना मिलने से तेरी ये द्रुवती हुई सत साधना ना मिलने से तत्वदर्शी दर्शी संत ना मिलने से इंद्र कुबेर ईस की पदवी ब्रह्मा धर्म द्रमराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया है। असंग मरत्या हो गे जीवित क्यों नाम रह अब परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई तंदर सुखिया को ना देखिया तनधर सुखिया को ना देखिया जो देखिया सो दुखिया हो सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो एक समय मारकंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था और इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा है उसका समय सीमित होता है बेहतर चतुर्युग होता है और उसके शासनकाल में उसको एक विशेष निर्देश भी होता है इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासनकाल में यदि कोई साधक इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या या कोई पूर्ण कर देगा तो तुझे पद से हटाकर उसको पद पर बैठा दिया जाएगा बीच में भी तुझे निकाला जा सकता है इससे इंद्र को चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना ना कर दे दो तुझे पद से हटना पड़े ये राजनीति है अब उसको पता लगा इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में उसने अलकारे छोड़ रखे होते हैं ये देवता घूमते रहते हैं यहाँ पर गुप्त रूप में उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मारकंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं अब उसके तप को खंड करने के लिए उसने सभी अप्सराओं से सो कहा सभी अप्सराओं ने कहा जी उसको हम नहीं हरा सकते हैं फिर उसने अपनी पटरानी सची से कहा कि आप जाओ अब वो अप्सरा उतरी स्वर्ग से इंद्र के लोक से आई और उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली इंद्र से उसके मार्कंडे ऋषि के आसपास उस क्षेत्र में ऐसा सुहाना मौसम बना दिया बसंत ऋतु जैसा ना गर्मी ना सर्दी हवा चले और ऐसे बाजे वहाँ ऐसे ऑटोमेटिक आध्यात्मिक तरीके से ऐसे सुहाने वहाँ जो है साजबाज बजने लगे और स्वयं वो अप्सरा मारकंडे ऋषि के सामने डांस करने लगी मारकंडे ऋषि आदि आंखें खोला था आदि बंद थी जब उसने सारे डांस कर लिए सारे बाजे बजा लिए सब तरह से थक ली आखिर में वस्त्र होगी तब तो मारकंडे ऋषि बोले हे बहन हे माई हे बेटी तू तो किस उद्देश्य से यहाँ ये खड़दू उतार रही है क्या किस लिए आई है तू यहाँ पर तब तो वस्त्र पहन के कहने लगी कि मारकंडे ऋषि ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी और मेरे इस रूप को देखकर आपके आसपास के इस बन के जितने भी तपस्वी थे तो मुझे देखते ही अपना डामा डोल हो गए उनका तो तप नष्ट हो गया था आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी आप डगमग नहीं हो पाए तब तो मारकंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी मेरी समाधि ऐसे स्थान पर थी जहाँ पर तेरे ज, तेरे जैसी औरतें तो वहाँ डांस करने वालियों की सात सात नौकरानियाँ थी तेरे से इतनी सुंदर औरतें थी जहाँ मैं समाधि लगाए था पुनात्मा आज तक पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है अब ये जैसे तप तप ये कहते हैं ना दस, मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो ध्यान करो ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम ये पहले आपने देखा ऋषि लोग बहुत समय तक बैठे रहते थे वो कैसे बैठते थे यो मनते एक मिनट भी ना टेकण दे जीव ने अब जैसे समाधिष्ट होने से क्या होता है जैसे पिछले पुनकर्मी प्राणी होते थे उनके अंदर के जो कमल हैं वो खुल जाते हैं किसी का कोई भी कमल पिछले संस्कार से खुल गया जैसे ये चैनल बने हमारे शरीर में बैकबाउन के अंतर की अंदर की साइड में मूल कमल में गणेश जी का कमल है फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है सावित्री बर्मा जी का कमल है फिर उससे ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी का कमल है नाभि कमल में और हृदय कमल में शिव और पार्वती का कंठ कमल में या पीछे की साइड में दुर्गा का कमल है और फिर त्रिकुटी में यहाँ पीछे हमारे यहाँ दो दल का कमल है और फिर ऊपर सैंसरार कमल है ऐसे मार्ग जैसे ये साधक साधना करते थे तो ये हठियोग करके समाधिष्ठ होने की चेष्टा करते थे तो उनका किसी चैनल खुल जाता ऑटोमेटिक पिछला कोई भी किसी भी जैसे विष्णु लोक खुल गया तो विष्णु लोक में प्रवेश कर जाते थे और उन लोगों में स्वर्ग हैं स्वर्ग माने रेस्टोरेंट होटल हैं उनमें दिन रात डांस गाने बजाने सारा दिन चलते रहते हैं तो वहाँ देख कर ये ऐसे देखता रहता है अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में तीन घंटे ऐसे जाते तीन मिनट हो आकर ना तो मैंने दो मिनट भी ना टिक दिया आपने आप कभी किसी बस स्टैंड पर खड़े हो ना लोकल बस स्टैंड पर और बस की इंतजार करते हो कभी तो बैठोगे बेंच पे फिर दो मिनट में फिर खड़ा करेगा आएगी नहीं बस फिर बैठेगा फिर थोड़ी देर में फिर देखेगा यानी एक मिनट बिना टिकने दे और आप करने लग जाओ कभी कहीं जागा कभी कहीं जागा कोई बात या आदि चलो वहाँ चलते हैं तो ये मन जो समाधिष्ट ये होते थे ये अंदर सिनेमा देखा करते ये फिल्म देखा करते इसलिए मन टेक टिका रहता क्योंकि यहाँ से अच्छी फिल्म है ऊपर की ऊपर के डांस डूंस यहाँ से अच्छे हैं तो मारकंडे ऋषि ब्रह्मलोक वाले रेस्टोरेंट में पहुंच रहा था समाधि तय और वहाँ जो डांस करने वाली और ज्यादा सुंदर औरतें थी वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी तो मारकंडे कहता है कि जहाँ मैं डांस देख रहा था तेरे जैसी तो उनकी नौकरानी थी मैं तुझे क्या चाहूं तेरे से कोई और सुंदर उसने जा अब वो कहती है कि इंद्र की पटरानी यानी यहां की सबसे ब्यूटीफुल मैं ही हूं और आप एक बार मेरे साथ इंदर लोक में चलो मेरी तो मारकंडेर ऋषि बोला कि इंद्र की तू पटरानी है इंद्र मरेगा तुझे मालूम है उसकी मृत्यु होगी खां जी पता है बेहतर चौकड़ी युग भोग कर उसकी मृत्यु होगी रखा जी उसके बाद तू के करेगी अब वो सची जो थी इंद्र की जो पत्नी है वो इतनी पुनकर्मी प्राणी थी पिछले जन्म जन्मांतर में इसी उसने इतने पुण्य कर लिए वो कहती है कि मैं ब्रह्मा के एक दिन में जैसे एक हजार चतुर्योग होते ब्रह्मा के एक हजार आठ होते हैं और बर्मा के एक दिन में चौदह इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है तो बेहतर गुणा में चौदह एक हज़ार आठ चतुर्युग होते हैं तो वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी है कि उसने इतने पुण्य किए कि वो एक हजार आठ युग तक यानी चौदह इंद्रों के साथ वो पटरानी की पद पर रहेगी और इंद्र मरते रहेंगे तो वो क्या कहती है कि मैं रबारकंडे ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी जब तू के करेगी अब वो वो कहती है वो अप्सरा कहती है कि मैं चौदह इंद्र वरूंगी और वो चौदह भी मरेंगे जब तू के करेगी क्योंकि मृत्यु तो उन चौदह फिर सारे वक्त जब तेरी भी मृत्यु है तो वो स्वयं स्वीकार करती है कि जितने भी इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मेरे मृतलोक में मैं गदी बनूंगी अब मार्कंडे ऋषि कहता है तू तो मुझे किस लिए ले जाती बुंडे लोक में जाकर राजा गदा बने रानी गधी बने अब वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जाऊं थी कि नहीं तन्यू कहेंगे वहाँ इंद्रलोक लोक में कि तू हार आएगी मारकंडे ऋषि से मारकंडे ऋषि बोला तू आज भी गदी चौदह ख़सम करेगी और मरे पाचा तू स्वीकार कर मैं गदी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं है तेरा गदे भैया तेरी अकल कहा जा रही है अब इतनी वार्ता हो रही थी इंद्र को पता चल गया कि मार्कंडे हारा नहीं अब इंद्र अपने वहाँ से आया और मारकंडे ऋषि के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया कहने लगे बंद निवाज आप जीते हम हारे आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो ये नियम है हम हार गए आप जीत गए आप इंद्र की गद्दी गद्दी ले सकते हो मारकंडे ऋषि कहता है इंद्र मेरे लिए तो तेरी इंद्र की गद्दी काग की बीट है मैं तो सपने में भी ना चाहूं मैं तो ब्रह्मलोक की साधना करता हूँ और आजा, आजा आजा तुझे भी छोड़ दे सिंदर की पदवी को वो मार्ग बता देता हूँ तो ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाएगा अब पुणात्मा इन ऋषियों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर पता नहीं था और ये ब्रह्म लोक की साधना को सबसे सुप्रीम मान रही थी और अपनी साधना को सबसे अच्छी मान के कर रहा था मार्किंडे अब इंद्र को सलाह देता है कि तू आजा छोड़ दे स की पदवी ने आजा तुझे रास्ता बताता हूं अब ब्रह्मलोक की साधना बता दूंगा इंद्र के है कुमार आजीव आनंद लेने दो फिर देखूंगा अपने आत्मा फिर के देखा अपने पास फिर तो कुमार देखेगा कड़मे मारेगा लठर बोरा उधरेगा डायमंड का के ऊपर आज आप किसी को जिसको जरा सा सुख है कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है उसको जिक्र करो प्रार्थना करो रिश्तेदार हो या कोई भी कि भक्ति कर ले परमात्मा का नाम ले ले और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है गधे कुत्ते सुअर बनोगे फिर वो क्या कहता है और किसने देखा है एक एक बात में खत्म करना चाहते हैं किसने देखा है और फिर लास्ट में क्या कहेंगे देखी जाएगी जो होगी फिर के देखी जाएगी गदा अपने पास तो कुमार देखेगा आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट जगत गुरु रामपाल जी डॉट ओ आर जी संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें एट टू 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 एट एट जीरो फाइव फोर वन